मेरा नाम नीतू देवी है, हम दिव्य नगर के रहने वाले हैं। थाना पिपरा पूरा मामला ये है कि हमारा जमीन था, हम लोग 2004 में उसको रजिस्ट्री करवाए थे, 60 डिसमिल था, और उसी जमीन को जो है उसी जमीन में से हम लोग 22 डिसमिल बेचे हैं। तो बेचने के बाद फिर उसी पे FIR हो गया। FIR जो है ये चंद्र प्रताप सिंह और रंजीत सिंह, ये इन लोगों ने वो उसी जमीन को दोबारा से 2014 में रजिस्ट्री करा लिया, फर्जी रजिस्ट्री करा के। और ये लोग ये कह रहे हैं कि चौहद्दी गलत है, चौहद्दी गलत डाला गया है उसमें। शिकायत सर ये SP साहब के पास भी गए थे, थाने पे भी गए थे, थाने पर 2 बार भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पर कोई नहीं सुनवाई हो रही, एप्लीकेशन कई बार थाने पे दिया गया है। ये लोग कौन है जो कब्जा करना चाह रहे हैं? ये रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह, अजीत सिंह और CP सिंह, भाजपा नेता बताते हैं। और हमारी ही जमीन पे कब्जा करके भाजपा का बोर्ड भी लगा दिया है उन्होंने। क्या चाहती हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमारी जो जमीन हो हमको मिले, और मुख्यमंत्री से यही कहा जाए कि हम लोग को प्रताड़ित न किया जाए। हमारे घर में कोई है नहीं, हमारा बच्चा उसका किसी क्लास प्लांट हुआ है, और एक दिन हमको घर पे लोग हमारे घर पे हम अकेले थे, और लोग आए हमको उठा के गाड़ी में बिठा के जीप में थाने से लेके चले गए, पिपराई थाने वाले लेके लोग चले गए कि कहे कि तुम चलो। तो क्या हम पूछते रह गए कि हमारा गुनाह क्या है, हम किए क्या है, लेकिन कुछ नहीं लोग बताए। खाली लोग कह रहे हैं कि तुम लोग गलत जमीन बेचे हो, गलत जमीन बेचे हो। हम कहें सारा दिखा है वहाँ पेपर कि हम लोग गलत कुछ किए नहीं है सर, जमीन हम लोगों की है, उसमें कई लोग खातेदार हैं, अभी उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा दाखिल किया गया है, तो चौहद्दी गलत कैसे हो सकती है? जब वो बंटवारा दाखिल होगा तभी तो पता चलेगा कहाँ किसका है, जहाँ किसका होगा वहाँ लेगा। कितने देर पुलिस आपको बैठाए? सुबह 9:30 बजे ले गई, रात को 11 बजे के आसपास में हमको छोड़ी। नहीं, महिला, 2 महिला पुलिसकर्मी थी और 3 कांस्टेबल लोग थे। जमीन कहाँ पे है? जमीन हमारा आराजी चौरी पे है, थाना पिपराई से। और सर उस दिन हमारे लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, एक दिन भी दवा मिस नहीं करना है। उस दिन हमारा लड़का इतना डिप्रेशन में आ गया था, पूरा दिन खाना भी नहीं खाया, दवा भी नहीं उस दिन खाया, उसी तरह से दिन भर था, वो भी परेशान, लोग एकदम डर जा रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं तो लोग बच्चे एकदम डर जा रहे हैं, घर में कोई है नहीं। मुकदमा गलत दर्ज हुआ है क्या? किसके ऊपर दर्ज हुआ? मुकदमा जो है हमारे FIR हुआ है, हमारे पति और हमारे जेठ के नाम पे। पुलिस हमको लेके गई।